चैनल तान्या फिएस्टा। सो टुडेज व्लॉग इज ऑन वॉट्स इन माय वैनिटी। सो ये वीडियो उन सबके लिए हु आर गेटिंग मैरिड और हु आर जस्ट स्टार्टेड कॉलेज और न्यूली वेड या सबको जिसको भी किसको मेकअप का कोई आइडिया नहीं, तो मैंने बहुत ही बेसिक मेकअप व्लॉग बनाया एंड ये सबके लिए जिसको भी थोड़ा भी कुछ नॉलेज चाहिए यू नो अबाउट मेकअप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप इज योर मॉइस्चराइजर। यू मस्ट हैव अ गुड मॉइस्चराइजर। सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस रॉ नेचर पपाया एक्सट्रैक्ट मॉइस्चराइजर। इट्स रियली नाइस, इट्स नेचुरल, इट्स वेगन, इट्स केमिकल फ्री। आई गॉट इट फ्रॉम क्रेड एंड इट्स रियली नाइस। एंड मैं जो भी वीडियोज में दिखाऊंगी ना, आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड वाले चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, नाउ फॉर मेकअप, इफ आई एम डूइंग मेकअप देन आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस लैक्मे ल्यूमी क्रीम। ठीक है, it's recently gone launched and it's moisturizer with a bit of a highlighter and this gives your face a very nice look when you're putting on makeup. तो ये face को ना बहुत fresh look दे देता है। ठीक है, तो I think you must go for this moisturizer because ये makeup ज़्यादा नहीं भी करोगे तो भी काफ़ी अच्छा look create कर देता है आपके face पर। तो this is my recommendation for moisturizer. So the most important part of your makeup is इसका base बनाना, और उसके base बनाने के लिए you require a primer. ठीक है, सबसे common primer जो सबसे ज़्यादा यूज होता है broadly, this is Lakme Absolute Primer. ठीक है, तो I also use this, but इसका base ना इतना clean नहीं बन पाता as compared to this. I use this Urban Color का primer. ये ब्रांड तब लॉन्च हुआ था जब ओरिफ्लेम एम्बर सब बहुत उस टाइम पे ट्रेंड में आए हुए थे एंड ये मोदी केयर नाम का भी एक छोटा सा ब्रांड आया था, बट इसका प्राइमर इज लिटरली अमेजिंग। आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो अपना, तो सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट में जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो विच इज अ कंसीलर। ठीक है, कंसीलर में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना कर लो। आई यूज दिस, मतलब आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस लाइक 6-7 मंथ्स बैक एंड ये खत्म हो गया। इतना अच्छा था कि दिस टार्ट कंसीलर एंड ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत इजीली बंद हो जाता है, ये बिल्कुल केक की सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता मेकअप पे और ये जितने भी आपके चेहरे पे कोई भी स्पॉट्स होंगे इनको बहुत अच्छे से कवर कर देता है। ठीक है, तो ये फुल कवरेज मेकअप लुक दे देता है आपको। दिस सेकेंड वॉश कंसीलर विच आई यूज ऑन अ डेली बेसिस, मतलब मैं अगर रेगुलर कहीं यूज आ रही हूँ लाइक आई एम गोइंग टू ऑफिस और समथिंग, सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस फुल कवरेज मिस क्लेयर का कंसीलर। ठीक है, द थिंग अबाउट मी इसकी मुझे ना मेकअप बहुत नेचुरल पसंद आता है, आई डोंट लाइक कि लोगों को पता चले कि आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप। सो दीज टू प्रोडक्ट्स विल गिव यू अ वेरी नेचुरल एंड फ्रेश लुक टू योर फेस। सो दीज टू आर माई रिकमेंडेशंस। नाउ एक कंसीलर टू ब्लेंड अ कंसीलर इज प्रीटी ईजी, बट टू ब्लेंड अ फाउंडेशन इज प्रीटी ट्रिकी। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू बाय, कभी मत खरीदना दिस इनसाइड का फाउंडेशन। आई गॉट इट फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे गिफ्ट किया था रैंडमली एंड ये बहुत बुरा था। ठीक है, मैंने उस पर भी अप्लाई किया था, तो शी डज इवन लाइक नाउ। ठीक है, तो वो बहुत बुरा है। तो इस रेंज में तो कंसीलर मुझे नहीं पता कि कौन से बेटर आते हैं, बट इफ यू आर गोइंग लाइक अंडर 1500 को कंसीलर चाहिए आपको, तो आई हैव परचेज दिस फेसेस कैनेडा का कंसीलर स्टिक। ठीक है, इट्स प्रीटी ईजी एंड ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। तो इस फाउंडेशन के लिए यू कैन गो, ये फाउंडेशन फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन इज रियली नाइस। अंडर 1500 के लिए रिकमेंडेशन वुड बी फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, उसके अबव एंड बियॉन्ड तो है द वन एंड ऑल लैक्मिनी। ठीक है, ये तो मतलब बेस्ट है, तो अल्टीमेट सोल्यूशन है आपके फाउंडेशन नीड्स के लिए। मैं कंसीलर कितना बोलती हूँ, ठीक है, फाउंडेशन नीड्स के लिए। बट हाँ, अगर किसी को इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट द ब्रांड नेम्ड ओरिफ्लेम, तो इसका ना जॉर्डनी का फाउंडेशन इज रियली नाइस। मतलब मैंने इसको यूज कर रखा है, नहीं देखो बहुत काफ़ी सारा यूज कर रखा है, तो ये बहुत अच्छा है एंड दीज टू आर अबव 1500 आई गेस। सी मैंने ना के ब्यूटी के बहुत प्रोडक्ट लिए थे, तो कैटला का ब्रांड लॉन्च हुआ था, तो आई वॉज लाइक मैड ओवर इट। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे इसके, तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था दिस। ये मुझे प्रोडक्ट ना एक्चुअली फ्री गिफ्ट मिला था, तो वो रिसेंटली आया था। तो ये ना हाईलाइटर है, दिस ब्रॉन्ज हाईलाइटर। ठीक है, इट्स रियली नाइस, मतलब ये बहुत अच्छा एंड ये ग्लिटरी लुक दे देता है आपके मेकअप को एंड आई रियली प्रेफर यूज इट। मुझे के ब्यूटी का ही बहुत अच्छा लगा था, बट अगर मैं ब्रॉन्जर के साइड देखूँ ना, तो मुझे ये बेनिफिट का इसका ब्रॉन्जर ज़्यादा बेटर लगा था। ये बहुत क्यूट से उस टेक्स्चर में आता है, लाइक मुझे स्मूथ ब्रश एंड इसके अंदर ब्रॉन्जर है, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। आई परचेज दिस, तो अगर के ब्यूटी एंड बेनिफिट में कंपेयर किया जाए ब्रॉन्जर के लिए, तो आई वुड प्रेफर द बेनिफिट का ब्रॉन्जर। बट या इसकी ना मुझे कॉन्टोरिंग स्टिक बहुत अच्छी लगी थी, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड ये बहुत अच्छा, मतलब आई रियली लाइक इट, सो आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टिक। नेक्स्ट इज दिस हाईलाइटर, मैंने एक हाईलाइटर भी लिया था इनसे, वो भी ब्रॉन्ज वाला, आई लाइक दैट ब्रॉन्ज मेकअप लुक वाला लुक, सो मैं फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेते उसके, तो आई लाइक दैट टू। सो मैंने के ब्यूटी के 3 प्रोडक्ट्स लिए थे जो कि आपके चीक बोन्स एंड आपके फेस को हाईलाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज दिस आयुर्वेदा कंपनी का, आयुर्वेदा कंपनी का आई हैव यूज दिस
बीट माइटी चिक पिंक टिंट, ठीक है सर, नाम बहुत वियर्ड है बट या ये बीट रूट से बनाए थे, इसमें काफ़ी ये पूरा नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग है, मतलब मैंने हमेशा सोचती थी कि जो कोई मैं रेड कलर वो चीक्स पर लगा लूँ तो वो सीता अंगीजा टाइप लगाने लगता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इट लुक्स रियली अमेजिंग। तो मैंने टैग का यूज़ कर रखा है एंड दिस इज अ मस्ट बाय गाइस, मतलब वो रेड चीक्स पे ना वो बहुत नेचुरल लुक देता है, ये बिल्कुल लगता है कि आपकी खुद की स्किन का पार्ट है, इट डजंट फील आर्टिफिशियल एंड ऑल, ठीक है। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये तीन अपने स्किन के हाइलाइटर्स रख लो और ये बहुत अमेजिंग है, ये तीनों के प्रोडक्ट्स के ब्यूटी के ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे एंड द आयुर्वेदा कंपनी का तो इज़ लाइक लव, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन आई मेकअप, ठीक है। सी मेरे को ज़्यादा आई मेकअप करना अच्छा सा आता नहीं है क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड कि मैं आई मेकअप कुछ कर दूँगी कुछ ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि आई मेकअप बहुत ट्रिकी होता है, अगर उससे मेकअप बहुत अच्छा लुक भी आ जाता है, कभी कभी उसको ख़राब कर दिया तो पूरा मेकअप लुक चौपट भी हो जाता है, ठीक है। तो आई यूज़ दीज टू, द फर्स्ट इज 24K न्यूथ मेबेलिन का, द सेकेंड वन इज लैक्मे एब्सोल्यूट, ठीक है, इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट, दिस इज मैट, दिस इज ऑल्सो मैट बट थोड़ा ग्लिटरी मैट है एंड थोड़ा मैट फिनिश वाला मैट है, ठीक है। बट इन दोनों प्रोडक्ट्स है ना आपके बहुत ही बेसिक आई मेकअप हो ही जाएगा, लाइक द स्मोकी आईज, और आपको किसी ट्रेडिशनल आउटफिट से जा रहा है, वेस्टर्न आउटफिट, कॉलेज गोइंग, न्यूली वेड, जो भी है, मतलब बेसिक आई मेकअप हो जाएगा, ऐसे कुछ बहुत ही प्रोफेशनल में समझना, बिकॉज मैं थोड़ा डरती हूँ वो येलो पिंक ब्लू वाले आई शेडो पैलेट से, क्योंकि मुझे उतना यूज करना अभी उसमें आता नहीं है। सो पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ कलरफुल आई लाइनर, सो लेट मी टेल यू, दिस शुगर का ब्लू काजल इज ब्लू आई लाइन काजल इज अमेजिंग, ठीक है। मैंने ओरिफ्लेम का आई लाइनर भी यूज कर रखा है ब्लू का, बट वो इतना अच्छा नहीं था, इसका काजल से ना बहुत अच्छा लुक आता है, लाइक एकदम ही आपको पार्टी लुक दे देता है एंड मेक, तो मतलब मैं तो इसको काफ़ी डेली लाइफ में लगाने लग गई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको। यू कैन ब्लेंड विद वाइट काजल एज वेल एंड ग्रे एंड वाइट को भी थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट को भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आई यूज ऑन अ डेली बेसिस एंड ये काफ़ी अच्छा लुक दे देते हैं, ठीक है। नाउ लिपस्टिक सब लोग अपने शेड के हिसाब से लेते हैं क्योंकि लिपस्टिक सबकी पर्सनल चॉइस होती है, बट देर आर टू लिपस्टिक्स विच आई विल रिकमेंड कि आप उसको अपने वैरायटी में मस्ट रखो क्योंकि वो हर शेड हर कॉम्प्लेक्शन के साथ जाता है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम नायका, आई गॉट इट, द नेम इज जेड रोज एंड दिस कलर इज अमेजिंग, मैंने अभी लगा रखा है ना, दिस इज द वन, ठीक है, ये बहुत अच्छा है एंड ये नायका पे अवेलेबल है, सो यू कैन परचेज इट। दिस इज फ्रॉम NYX, ठीक है, द शेड इज सडक्शन एंड ये थोड़ा सा न्यूड शेड के साइड था बट ये मिल ही नहीं रही है मुझे, दिस इज माई फेवरेट लिपस्टिक एंड मुझे ये बहुत पसंद आई थी, बट ये अभी पता नहीं क्या हो गया इनको नायका को, क्योंकि लिस्टेड ही नहीं है, उस पर मुझे मिल ही नहीं रही है, ठीक है, बहुत टाइम से मैंने ये वाली स्टिक तीन खत्म कर दी, सो यू कैन इमेजिन कि कितने अच्छा शेड था, ठीक है। सो दीज विल बी माई रिकमेंडेशन फॉर काजल एंड फॉर योर लिपस्टिक्स। मूविंग ऑन, जिसको कोई ऐसे लोग हुए जो मेरी तरह जो भूल जाते हैं मेकअप लगा के आई पे एंड वो अपनी आईज को से ना मैच कर देते हैं कभी कभी, सो उसके लिए यू शुड यूज दिस कॉसल का आई लाइनर, मैंने यूज़ कर रखा है बिल्कुल, ये लिटरली स्मच फ्री है, लेकिन स्मच फ्री है ये सच में, ऐसा होती है, ठीक है। तो आई हैव यूज इट, ट्राई टेस्टेड है, यू कैन गो फॉर कॉलोसल काजल एंड आजकल ट्रेंड में काफ़ी सारी ब्राउन लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने ना रेवलॉन की यूज़ कर रखी है, दिस इज क्वीनली मी एंड फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट आई हैव यूज दिस ब्राउनी चॉकलेट, ठीक है। तो ये दो भी बहुत अच्छे हैं, लाइक क्योंकि आजकल ब्राउन कलर काफ़ी ट्रेंड में जैसा मैंने देखा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दीज टू लिपस्टिक्स एंड यू विल गुड टू गो, मतलब इतना ये, दिस वॉज अ बेसिक वैनिटी की वॉच इन माई वैनिटी में, बेसिक यू शुड हैव इन योर वैनिटी लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो दिस आर माई रिकमेंडेशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्किन केयर। स्किन केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप रूटीन एंड इट शुड नॉट बी जस्ट पार्ट ऑफ योर मेकअप रूटीन, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ स्टाइल, ठीक है। दोज हु आर गेटिंग मैरिड, सबसे ज़्यादा बैंड बजती है ना किसी चीज़ में लाइफ में, तो वो बजती है फीट, क्योंकि आप इतनी शॉपिंग में जहाँ से वहाँ भाग रहे हो तो ना यहाँ से वहाँ, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी फीट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो वाई आई वॉज गेटिंग मैरिड अभी भी आई हैव यूज दिस अ लॉट, डॉक्टर फुट रिपेयर क्रीम, जिसके अगर पैर ड्राई है, किसी की ड्राई स्किन है ना, तो उसके लिए तो दिस इज अ मिरेकल, लाइक सच बता रही हूँ मैं, इतनी इफेक्टिव फुट क्रीम मैंने नहीं देखी है। डोंट अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर फीट, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, दिस इज द बेस्ट फुट रिपेयर क्रीम, इसको यूज़ करो। इसका गेटिंग मैरिड अगर नहीं भी, अगर स्पोर्ट्स शूज में भी घूमो तो स्वेटिंग से भी वो कहीं ना कहीं वो आपके पैरों की बैंड बच जाती है, ठीक है। तो दिस इज माई रिकमेंडेशन, यू मस्ट यूज दिस। नाउ बेला वीटा का प्रोडक्ट्स आई एम अ फैन, ठीक है, क्योंकि उनके सारे प्रोडक्ट तो नेचुरल बेस पर है, उनके कोई भी प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का केमिकल मुझे कभी नहीं दिखाई किसी भी इंग्रीडियंट्स में। आई हैव यूज दिस एक्ने एंटी एक्ने फेस जेल
एंड इसमें तुलसी, नीम, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और पता नहीं कितने कितने टाइप के इनके बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं और जो कि बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए। मेरी स्किन को रखने नहीं आज तक बट मैंने फिर भी इसको यूज़ किया था क्योंकि इसके बाद ना स्किन फ्लरिश करने लगती है, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। बेला वीटा के फ्लोर्स आर प्रीटी अमेजिंग, ठीक है, यू मस्ट ट्राई। सेकेंडली आई हैव यूज दिस बेला वीटा डी टैन। मैं गोवा से आई थी, मैं इससे ना छः शेड तो ज़्यादा बोल दिया, 3 शेड तो डार्क हो ही गई थी, ठीक है, बट दिस वॉज प्रीटी अमेजिंग। ये इतने क्यूट से ब्रश के साथ आता है, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर फेस एंड ये बहुत इफेक्टिव है, ये लिटरली टैन रिमूव करता है। मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज करके देखे हैं दिस वन वॉज द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर योर स्किन केयर नीड्स, सो दिस इज अ मस्ट बाय। ओके, नाउ इफ यू आर गेटिंग मैरिड, लाइक रिसेंट में शादी है, लाइक इन नेक्स्ट 2 to 3 months बचे हुए हैं शादी में, ऐसा कुछ सीन है, सो आई यूज दिस सेट ऑफ नाइट रेडियंस क्रीम। मुझे ऐसा नॉर्मल लगता था कि नाइट क्रीम्स होती है ना वो 40+ के लिए लोगों के लिए होते हैं, थोड़े से एज में बड़े हो गए होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, नाइट क्रीम्स आर प्रीटी नाइस। मैं इसको जितनी बार भी यूज़ किया, आई गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू, मैंने इसको बहुत यूज़ नहीं किया, बट हाँ मैंने ऐसा किया होगा कि अगर एक मंथ में मैं इसको 10 times लगाया होगा, जितनी बार भी लगाओगे ना रिजल्ट उसे बहुत बेटर ही आया है, ठीक है, तो यू शुड यूज़ इट। इफ यू गेटिंग मैरिड रिसेंटली तो कर लो, मतलब फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डू इट, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू डू। नाउ अगर किसी की आई लैशेज, किसी को वॉल्यूम बढ़ाना है, किसी को अपने आईब्रोज का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो ना दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, विश केयर का है ये ब्रो एंड लैश ग्रोथ सीरम, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग है, ये पूरा नेचुरल, ये भी नेचुरल, मैंने वीडियोज में जो भी स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें बताई ना वो सब नेचुरल इंग्रीडियंट से बनी हुई है। सो नाउ अभी तो सारा मेकअप लगाया है, उसको निकालना भी होगा, है ना। देखो द फेमस मोस्ट फेमस मेकअप रिमूवर इज माइसेलर वाटर फ्रॉम गार्नियर, ठीक है, ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, बट ये मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, ऐसा ना इतनी ईजिली मेकअप रिमूव नहीं होता है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई आउट दिस बायोडामा का H2O वाटर, इट्स प्रीटी अमेजिंग, इससे मेकअप बहुत ईजिली निकलता है। अगर मेकअप नहीं भी लगा हुआ है, अगर आपसे बाहर से आए हो एंड थोड़ा पॉल्यूशन वोल्यूशन में कुछ हुआ होगा आपके फेस को, तो सिर्फ एक कॉटन पैड लो, इससे अपना फेस वाइप करो एंड यू विल बी गुड टू गो। और अगर कोई पिंपल हुआ है और आपको ओवर नाइट उसको नेक्स्ट डे आपको देखना है मैजिक, तो जस्ट क्लीन योर फेस विद दिस वाटर, एक बार रात को टैप करके सो जाओ एंड यू विल सी द रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। मैंने खुद ट्राई करके देखा हुआ है, इट्स वेरी नाइस। तो आई यूज बायोडामा का H2O वाटर टू रिमूव माई मेकअप। सो नाउ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप इज अ गुड परफ्यूम, लाइक आई रियली जज पीपल बाय द बेदी स्मेल, ठीक है। सो मेरी ना कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे जो परफ्यूम्स हैं वो मोस्टली इंडिया में नहीं मिलता, बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स नो हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद परफ्यूम। सो मेरे को बहुत सारे ऐसे परफ्यूम जो इंडिया में नहीं है मेरे पास, बट रिसेंटली बहुत सारे परफ्यूम इंडिया में लॉन्च हुए हैं, वो मिलने लग गए हैं, ठीक है। तो आई हैव यूज दिस अ लॉट, डोल्चे गवाना का लाइट ब्लू, दिस परफ्यूम इज अमेजिंग, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसकी फ्रेग्रेंस इज लाइक हेवन, ठीक है। नाउ द सेकेंड परफ्यूम जो आई यूज अ लॉट इज फ्रॉम जिमी चू एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 नाइस परफ्यूम। गॉड, इस परफ्यूम में ऐसे जितना ऐसा ना अलग सी फीलिंग आती है इनकी स्मेल लेके, ठीक है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ परफ्यूम, सो मैंने अभी ये दो रखे हुए हैं, बट हाँ मेरे पास एक ये भी है ओरी फ्लेम का, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, स्वीट छोटा सा बॉटल, इट्स वेरी क्यूट एंड इट्स वेरी नाइस, द स्मेल इज द फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो अमेजिंग, नॉट स्मेल, ठीक है ना, फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो अमेजिंग। सो आई विल लिंक ऑल द आइटम्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू गाइज कैन चेक इट आउट एंड इसको लेना कुछ ले सकते हो। और अगर मुझे कोई और मेरे परफ्यूम्स दिखते हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो आई लिंक दोज टू, बट या मेरी परफ्यूम रिकमेंडेशन आर टॉप नॉच, ठीक है। जो मैंने बताया ना दो, इफ यू विल बाय इट आई एम प्रीटी श्योर एवरी वन विल लव इट, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसने मेरी परफ्यूम रिकमेंडेशन को बुरा बोला, ठीक है। सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट फॉर योर सेल्फ। नाउ अब हमारा स्किन केयर हो गया, हमारा मेकअप हो गया एंड हमारा अब सब कुछ मैंने बता दिया जो मुझे बताना था। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली एंड सी सम ऑफ द ज्वेलरीज, एंड मैंने ना उसमें लिंक कर दिया कि मैंने वो कहाँ से परचेज की थी, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगी, बट हाँ मैंने वेबसाइट के नाम डाल दिए हैं सब वीडियोज में। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी माई ज्वेलरी कलेक्शन फटाफट। If you have watched the video till here, so do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.